सोशल मीडिया पे भी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे, तो मेरा मुखातिब है जनाब मेहदी नासरी साहब से। जैसा खालू साहब ने बोल दिया, मेरा नाम मेहदी नासरी। अभी तक आपने सबसे पहला चैंपियनशिप आपने अपने लाइफ का फर्स्ट चैंपियनशिप आपने कहाँ खेला? ये चीजें मतलब मेरे को नहीं है, थोड़ा मतलब मेरे को फील हो रहा है, लेकिन लड़ने के लिए तो मैं तैयार हूँ। बस मैं जाऊंगा बिना कोच या बिना ट्रेनर, मैं कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा। फेस में कट गया है, वो थोड़ा मेरा गलती था। ये अभी मैंने तो स्टिच लिया है, बट ये 5-6 सेंटीमीटर का वुंड है और 5 स्टिच लगा है अभी तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, फिर से एक बार तमाम दर्शकों को, तमाम व्यूअर्स को खैर मकदम करते हैं कारगिल टुडे में। हमेशा ही कोशिश रहा इस चैनल का कि अवामी मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचे, जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, एलएचडीसी काउंसिल हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। आप लोगों का ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए सोशल मीडिया पे भी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे, तो मेरा मुखातिब है जनाब मेहदी नासरी साहब से, जो मिक्स मार्शल आर्ट प्रो में रियलिटी शो में, यानी कि रिसेंटली इन्होंने नेशनल चैंपियन जो है मुंबई में एक बेहतरीन रियलिटी शो में इन्होंने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने देके न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कारगिल का बल्कि पूरे खत्ते लद्दाख का इन्होंने नाम रोशन किए। तो मेरा तारुफ है जनाब मेहदी नासरी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के, और हमें पता भी है सर आपका शेड्यूल काफ़ी टाइट है, आपको हर जगह से काफ़ी इन्विटेशंस, काफ़ी इन दिनों यानी कि अगर हम बात करें तो काफ़ी मसरूफियात है, फिर भी आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो सर हमारे इस शो का एक यही परंपरा रहा है सर, जो भी मेहमान को हम दावत देते हैं सर, बेशक हम मिक्स मार्शल आर्ट या आपकी गेम्स को लेके जितने भी आपने चैंपियनशिप आपने आज तक खेला है हम उस पर भी आएंगे, तो उससे पहले इस शो का यही परंपरा रहा है सर कि थोड़ा बहुत अपना बेसिक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप हमारे नाज़रीन को देंगे, क्योंकि आप आपके पैदाइश यानी कि आप बर्थ प्लेस आपके कहाँ, आप कहाँ पैदा हुए, आपने बेसिक स्कूलिंग आपने कहाँ से की, फिर फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए आप कहाँ गए। सबसे पहले थोड़ा बहुत आप ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी आपके जितने भी गेम्स आपने किए वहाँ तक हम आएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा खालू साहब ने बोल दिया, मेरा नाम है मेहदी नासरी, और शायद अभी तक इतना चैनल में शायद शो ऑफ हो गया है, फिर तो शायद पब्लिक को भी पता चला है कि मैं मेहदी नासरी हूँ। बिल्कुल। और ममनून और मशकूर हूँ कि लद्दाख वाला इतना प्यार दे रहे हैं, और मेरे को ये फाइट करने के लिए मेरे को मुबारकबाद बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी अपना खुद की तरफ से सब पब्लिक को, जितना मतलब लद्दाख वाला है, उन लोग को मैं मुबारकबाद बोलता हूँ, और ये जो बेल्ट जीता हूँ उन लोग को मैं पेश करता हूँ, गिफ्ट करता हूँ जी। तो थोड़ा बहुत अपने बेसिक के आपने। और सर मैं, मेरा पैदाइश है ईरान, जो मतलब मेरा पापा ईरान में था, उन्होंने मतलब उधर लाइफ जिया था, पूरा पढ़ाई में ध्यान दे रहा था, और आलिम दीन था मेरा पापा। फिर मैं ईरान में पैदा हो गया और मेरा पढ़ाई पूरा ईरान में स्टार्ट हो गया था, कौम में। आपने इंग्लिश पढ़ाई किया? इस्लाम नहीं, नहीं इस्लामिक नहीं किया, गवर्नमेंट था लेकिन उसमें इंग्लिश नहीं होता है, तो सिर्फ पर्शियन होता है, मतलब सिर्फ पर्शियन ही। हिंदुस्तान में जिस तरह इंग्लिश कंपलसरी है, वहाँ पर्शियन कंपलसरी है? पर्शियन, हाँ पर्शियन कंपलसरी है, और हम लोग 7वीं से इंग्लिश स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। तो उसमें ग्रामर वगैरह या एबीसी हम लोग सीखना स्टार्ट किया था। तो हिंदी बोलने में, उर्दू बोलने में कैसे? तो हिंदी बोलने में भी मैंने जब इधर आ गया था उस टाइम तो मतलब मैंने स्टार्ट किया हिंदी बोलना। यहाँ 2015 में मैं आ गया था, 2011 में। अच्छा, 2011 में मैं मुंबई में आ गया था। अच्छा अच्छा। 21 साल में ईरान में था, उसके बाद फिर तो मैं मुंबई आ गया, तो मुंबई से मेरा एमएमए का जर्नी स्टार्ट हो गया। जर्नी स्टार्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपने फिर फर्दर स्टडीज दी ईरान से, आप अभी शायद आप ग्रेजुएट हो? हाँ, मैं डिग्री, आपके पास डिग्री है मेरे पास, मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ ईरान का। मतलब किस चीज में डिग्री किया? उसमें मैंने किया था ग्राफिक डिजाइनिंग।
ग्राफिक डिजाइनिंग में, साथ साथ में मैं प्रैक्टिस भी करता था ईरान में। मेरा मतलब 17 साल, जब मतलब 15 साल हो गया, मेरा भाई ने बोल रहा था कुछ स्पोर्ट में ज्वाइन करो, अच्छा होता है तुम्हारा सेल्फ डिफेंस के लिए, बॉडी के लिए, फिटनेस के लिए अच्छा होता है, ज्वाइन करो। फिर मैंने मुथाई ज्वाइन किया था उसमें। उसके बाद मेरे को जब मुथाई चला गया था उसमें, मुथाई मतलब एकदम हार्ड गेम होता है, एक फिलिपिनीज गेम होता है। उसके बाद मैंने फिलिप मुथाई को शायद लगभग 1 साल से 1.5 साल मैंने ज्वाइन करके प्रैक्टिस करके, उसके बाद मैंने कराटे डाइडोजो को ज्वाइन किया था, जो अभी डोजो बोलते हैं उसको। उसमें हर चीज था, हर मतलब सेल्फ डिफेंस था उसमें, किकिंग पंचिंग सब कुछ था उसमें। मेरे को मतलब बहुत मजा आ रहा था कि मेरा पंच किक सब परफेक्ट हो रहा है। कराटे डाइडोजो को मैंने ज्वाइन करके फिर मैंने 21 साल में फिर मैंने ईरान से शिफ्ट हो गया इंडिया। फिर इंडिया से मैं मुंबई में लगभग 2 साल बैठा। फिर उसमें हम लोग मिक्स मार्शल आर्ट्स जो एमएमए एक सुपर फाइट लीग था वो था राज कुंद्रा सर का, जो मतलब राज कुंद्रा जो शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड होता है उनका ऑर्गेनाइज था, मतलब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सुपर फाइट लीग। फिर उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। किस तरह आप डिफरेंशिएट करते हो ईरान और लद्दाख को, क्या सिमिलैरिटी लगा, क्या डिफरेंस? क्योंकि ईरान जो है खत्ते लद्दाख में कारगिल डिस्ट्रिक्ट में मरकज माना जाता है, और उसके अलावा इस्लामिक व्यू पॉइंट को छोड़ के हट के, उससे हट के एजुकेशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात, किस तरह देखते हो आप लद्दाख और लद्दाख और ईरान के बारे में? अगर बात करेंगे तो मतलब 100 से 10 जैसा मान सकते हैं कि मतलब ईरान 100 है स्पोर्ट में, अच्छा, तो लद्दाख है 10। अभी हम ऐसा अभी क्या कि ईरान में, हाँ अभी है, उस टाइम मतलब उस टाइम ऐसा ही था कि ईरान में शायद आपको 2 गली छोड़ के एक क्लब होता था टेक्वांडो का, 2 गलब छोड़ता था एमएमए का, 2 गलब छोड़ता था बॉक्सिंग का। फिर वैसे मतलब वैसे ही 2 गली छोड़ छोड़ के वैसे ही मतलब पूरा स्पोर्ट गेम होता था। हर कोई अपना सेल्फ डिफेंस या मतलब खुद का फिटनेस के लिए स्पोर्ट करता था। ईरान और ईरान में भी मतलब वो हम लोग जो कौम शरीफ में हम लोग बैठता था वो इलाका ऐसा था। तेहरान में भी बड़ा बड़ा जगहों में मतलब ऐसा था कि स्पोर्ट में बहुत ध्यान देता था, क्या कि स्पोर्ट ऐसा चीज है कि हम लोग को सिर्फ नमाज से हम लोग खुदा से नजदीक नहीं होता है, स्पोर्ट से भी खुदा से हम लोग बहुत नजदीक होते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटी बॉडी में होता है तो हम लोग को शांत मिलता है। वो शांति से हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं फिर वो अलग फील होता है, और जो हमारा जो माइंड में जो मतलब मैंने अभी लगभग 2015 से अभी 2023 हो गया मैं लद्दाख में बैठा हूँ, कारगिल में बैठा हूँ, तो ये माइंड जो मतलब जो माँ बाप के माइंड में ऐसा होता है कि अगर मेरा बच्चा एग्जाम के टाइम पे अगर जाके मतलब प्रैक्टिस करे, जो मतलब मेरा स्टूडेंट था उन लोग को बोलता था कि नहीं मैं मतलब एग्जाम के टाइम पे नहीं आऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए, अगर मैं एक प्रैक्टिस करने के लिए आ जाऊं तो मेरा एग्जाम ये हो जाएगा। मैं बोला तुम्हारे पास कितना है, तुम कितना मतलब एग्जाम के लिए कितना कितना घंटा चाहिए प्रैक्टिस करने तैयारी करने के लिए प्रिपरेशन, हाँ कितना मतलब तुमको कितना जरूरत होता है? वो बोलता था मेरे को 2 घंटा। मैं बोला तुम 5 घंटा रखो उसके लिए, सिर्फ 5 घंटा रखो, फिर भी तुम्हारे पास कितना टाइम बचता है? सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा तुम प्रैक्टिस करने के लिए आते हो गया 7 घंटा, तो और कितना घंटा बच गया और पढ़ाई कर सकते हो। और जितना आदमी प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं खुद मतलब मैं एक जब पढ़ाई करता था उस टाइम हम लोग का 4 घंटा हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करता था क्लब, सिर्फ क्लब में प्रैक्टिस करता था, और मैं सबसे टॉप में था क्लास में, मतलब पूरे स्कूल में मैं सबसे टॉप में था, क्योंकि मेरा माइंड मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जो पढ़ाई करता हूं फ्रेश माइंड से पढ़ाई कर रहा हूं। ये थोड़ा हमारा जो मतलब कारगिल या ले लद्दाख का जो मतलब ये माइंड सेट है ना, ये थोड़ा हटना चाहिए कि हाँ एग्जाम के टाइम में हम लोग बच्चे लोग को प्रैक्टिस करने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें,
खत्ते लद्दाख जिसमें बिलखसूस हमारे दो डिस्ट्रिक्ट है, लेह है, कारगिल है, काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है स्पोर्ट्स की में अगर हम बात करें, चाहे जैसे मिक्स मार्शल आर्ट हो, टेकोंडो हो, बॉक्सिंग हो, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो मेहदी नासरी साहब, आप मिक्स मार्शल आर्ट प्रो से आप हो, तो माशाल्लाह अभी तो ये गेम जो है अभी उभरता हुआ आ रहा है, मुझे भी कुछ साल पहले मुझे भी पता नहीं था ये क्या है मार्शल, एमएमए क्या है, तो थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहते कि ये गेम क्या है और ओरिजिन इसके कहाँ से हुआ है, शुरू कहाँ से हुआ है, इंडिया में ये कितना पॉपुलर गेम? सर ये गेम ऐसा हो गया कि डेना वाइट एक आदमी है, अमेरिकन जो बिजनेसमैन है, अमेरिकन एक बिजनेसमैन है, उन्होंने अमेरिका से स्टार्ट किया, सोचा कि अभी मतलब गेम होता है बॉक्सिंग कितना पॉपुलर गेम होता है, मोहम्मद अली जैसा या मतलब टायसन जैसे बॉक्सर, बड़ा बड़ा बॉक्सर है और मतलब बहुत टॉप में है, टेक्वांडो में मतलब बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर होता है और बहुत ज़्यादा फाइट होता है, और उन्होंने सोचा क्योंकि वो बिजनेसमैन था और ऐसा सोचा कि हम लोग एक ऐसा गेम प्लानिंग करें कि पब्लिक पूरा उसमें ध्यान हो जाए कि हर गेम को हम लोग इसमें ऐड करें तो उन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट्स बना दिया, यूएफसी जो अभी अमेरिका में चल रहा है वैसा ही कुछ गेम बना दिया, और अभी शायद यूएफसी बोल के सबके अभी सुनने में आ गया होगा, यूएफसी इतना पॉपुलर हो गया, शायद फुटबॉल के बाद यूएफसी ही चलता है, यूएफसी चलता है, और अभी इंडिया में डेना वाइट, इंडियन डेना वाइट बोल के मोहम्मद अली बुधवानी सर है जो हम लोग को ऑर्गेनाइज किया, ये शो को, रियलिटी शो को हम लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया, उनका अभी अभी बोलते है कि इंडियन डेना वाइट, उन्होंने ये मतलब हम लोग का जो मतलब बच्चे लोग अभी जवान बच्चे लोग है अभी इंडिया में बहुत मतलब सारे वो है ऑर्गेनाइजेशन है कि सिर्फ किसी लोग को चांस देते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, हर कोने कोने से बच्चे लोग को सिलेक्शन करके और चांस दे दिए बच्चे लोग को फाइट करने के लिए, उनको हम लोग तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ऐसा टाइम दिया बच्चों लोग के लिए कि बच्चों लोग ये गेम सीखे, मतलब मेरा पूरा जोश था, और एमएमए अभी इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया, शायद अभी हम लोग का शायद इस साल में एक इंडियन फाइटर यूएफसी में भी चला गया, इंडिया के साथ साथ बाकी किस देश में खेला जाता है, ईरान में भी खेला, ये बहुत ईरान में नहीं, ईरान में तेलंगाना में हर जगह में अभी ये गेम इतना पॉपुलर हो गया है कि हर कोई चाहते है कि ये ऑर्गेनाइज हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज करें, कुछ हम लोग भी कुछ ऑर्गेनाइजर नया ऑर्गेनाइज बना दे, ये गेम जो है रिस्क में बना इंडिया में गेम, ये गेम रिस्क नहीं है सर, ऐसा कुछ हो कोई बोलता है ना कि रिस्की गेम है, इससे ज्यादा फुटबॉल, अभी आप अगर थोड़ा मतलब अभी गूगल है, यूट्यूब है, आप एक बार चेक कर लो कि यूएफसी जो एमएमए गेम होता है फुटबॉल से भी मतलब उसका रिस्क कम है, फुटबॉल एमएमए से भी रिस्की है, फुटबॉल कुछ नहीं है उसमें, मतलब खेलना भागना, ये जो स्पीड भागते है और थोड़ा स्लो कर दें फुट को, उसमें हम लोग को हार्ट को मतलब प्रॉब्लम होता है, और जो पावर लिफ्टिंग होता है उससे भी रिस्क कम है, एमएमए का जो गेम होता है ये सबसे भी मतलब कम रिस्क, कोई भी चैंपियनशिप हो या कोई भी गेम खेलने से पहले आप लोगों से हाँ सिग्नेचर लेते हैं, वो हर मतलब आप हर गेम में जाओगे, बॉक्सिंग में जाओ, टेक्वांडो में जाओ, हर गेम में उन लोग कुछ उससे पहले मतलब कि हाँ मतलब अपना मर्जी से आ गया हो ये गेम में, तो मैं खुद जिम्मेदार। अच्छा, ये चीज होता है, और इसमें क्या होता है कि जो प्रो गेम होता है जैसे बड़ा बड़ा कंपनियां आपको स्पॉन्सर करते हैं, बड़े कंपनियां, और उसमें मेडिकल सिस्टम वो सब वगैरह होता है, और इसमें क्यों रिस्की नहीं होते, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल गेम होता है कि उसमें आप ऐसा ही नहीं मार सकते हो, जैसा रोड में आप फाइट कर रहे हो ना वैसा नहीं मार सकते, उसमें कुछ टेक्निक होते हैं कि आप मतलब 12-6 नहीं मार सकते हो,
डेंजर पोजीशन में आप नहीं मार सकते हो, मतलब सर पे नहीं मार सकते हो, बैकबोन में आप नहीं मार सकते, उसमें मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, रेफरी जो है बराबर वो नोटिस रखेगा, और वो रेफरी जो बीच में खड़ा है वो बहुत संभालते है कि कोई मतलब रिस्क में नहीं चल जाए, ये चीज होता है। ये गेम जो मतलब देखने में रिस्की होते हैं उसमें इतना रिस्क नहीं होता है, उसके लिए हम लोग, उसके लिए तो हम लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं कि वो गेम में चले जाए, वरना तो सिलेक्शन नहीं होता है प्रो में। अगर एमेच्योर आप खेलोगे तो उसमें हेलमेट होता है, चेस्ट गार्ड होता है, शिन गार्ड होता है और उसमें ग्लोव होते हैं, क्योंकि वो नया नया स्टूडेंट और नया नया फाइटर है, क्योंकि वो रिस्क में डाल सकते हैं खुद को, इसलिए उसको पूरा कवर करते हैं। लेकिन प्रो में क्योंकि वो स्किल, उसका स्किल थोड़ा सेल मतलब वो हो गया है, मतलब लेवल अप हो गया है, इसलिए उसको प्रो लेवल बोलते हैं, और उसको सिर्फ ग्लोव्स और उसको गमशीट और ग्रोइंग का सिर्फ यूज। जी मेहदी नासरी साहब, तो दर्शकों हमारे साथ मेहदी नासरी साहब जुड़े हैं। मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि आज की डेट में अगर खित्ते लद्दाख में बात करें तो पूरे सोशल मीडिया पे हो, पूरे ट्रेंडिंग में जो है मेहदी नासरी साहब आजकल चल रहे, और आपको बताते चलूं कि मिक्स मार्शल आर्ट प्रो में चैंपियन रह चुके, रिसेंटली मुंबई में एक इवेंट में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा के कारगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ पूरे खित्ते लद्दाख का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो दर्शकों हम जल्द ही वापस आते हैं, एक छोटा सा तजारती वक्फा यानी कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हम यहाँ ले लेते हैं, आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ, जल्द ही हम लौट आते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। Gentlemen, making way to the ring, Mehdi Notorious Nasidi. जब से लद्दाख से निकल गया तो ये मेरा मतलब तमन्ना नहीं, मतलब मेरा पूरा जोश था कि मैं खुद को फाइनल तक पहुंचा दूं और बेल्ट लेके आ जाऊं लद्दाख में। दूर से खेल, बिल्कुल थक गया वो, ओए मेरे को देख, मेरे को देख, बिल्कुल थक गया, बिल्कुल थक गया, अभी फिनिश होने वाली थी फाइट, तो ने करी नहीं, एल्बो क्यों नहीं मार रहा, What a fight, ladies and gentlemen. This crowd is on their feet. What a fight. Incredible action. The doctors are going to come and check up both these men. I wish they could be two winners, but Mehdi Nasiri did, was the better fighter. He took his time, methodically picked apart his opponent. And you can see the minute, even in the last minute of the fight, when he stepped forward, and egged on Sanachandran Shire. The lion came forward and cracked his teeth. तो दर्शकों कमर्शियल वक्फे के बाद फिर से एक बार सभी नाजरीन का हम खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ मेहदी नासरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मिक्स मार्शल आर्ट के चैंपियन रह चुके हैं, मैंने पहले भी आपको वजाहत की। नासरी साहब अभी तक आप ओवरऑल अपने बेसिक यानी कि अपने पैदाइश से लेकर अभी तक की जर्नी के बारे में आप हमारे नाजरीन को ब्रीफ कर रहे थे, और साथ ही साथ वक्फे के बाद मैं थोड़ा बहुत ये जानना चाहता हूँ, अभी तक आपने सबसे पहला चैंपियनशिप आपने अपने लाइफ का फर्स्ट चैंपियनशिप आपने कहाँ खेला, और उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। गेम्स तो बहुत है, फाइटिंग रिलेटेड गेम्स हमारे पास, बॉक्सिंग है, कराटे है, टैकोंडो है, पुमसे है, हाँ बहुत कुछ है, क्यों वाई आपको यही मिक्स मार्शल आर्ट वाला गेम आपको पसंद? क्योंकि इसमें हर चीज मिलता है, इसमें पंचिंग है, किकिंग है और सेल्फ डिफेंस है, ग्रैपलिंग है, आपको कुछ कमी नजर नहीं आएगा। तो मैं तो सोचता हूँ एक कंप्लीट आदमी बन जाओ, एक कंप्लीट स्पोर्ट्समैन बन जाओ, इसलिए मैंने सेलेक्ट। मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करते हो इसमें? एक्सरसाइज हम लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम वगैरह, हाँ हम लोग मतलब जो लाइट जिम करते हैं, वैसे हैवी नहीं करते कि हम लोग का मसल्स फूल जाए,
हम लोग लाइट स्पीड के लिए करते हैं, मतलब जिम जो अलग का, हम लोग का जिम और जो जिम बाहर का जिम हैवी जिम होता है वो अलग होता है। और आप किसी का के गाइडेंस में काम कर रहे हो कि आप खुद? अभी क्योंकि हम लोग के पास तो लद्दाख में ऐसा कोच है भी नहीं है, एमएमए कोच है ही नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। और मैं जब ईरान में काम करता था, हम लोग जो प्रैक्टिस करता उस टाइम हम लोग प्रैक्टिस भी करता था और कोचिंग भी साथ में करता था, तो वो चीज अभी मेरे को थोड़ा हेल्प कर रही है। चैंपियनशिप के वक्त आप प्रॉपर कोच के अंडर, प्रॉपर उनके गाइडेंस में आप चलते होंगे जब आप लोगों का चैंपियनशिप चलते, जैसे मुंबई जैसे? हाँ, जो अभी ये चैंपियनशिप था वो टाइम भी मतलब मैं अकेले ही सिर्फ ट्रेनिंग करता था, सिर्फ मैं एक चीज में, मैं मेरा खुद का जो स्किल था उसको परफेक्ट करने के लिए सिर्फ उसी में मैं चलता था कि मेरे को सिर्फ यही चीज परफेक्ट करना है। क्योंकि थोड़ा मतलब जो कोचिंग में, मतलब जो कोचिंग लिया था और जो कोचिंग करने का जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस लिया था ईरान में, तो वो चीज अभी मेरे को काम आ रहा है कि मैं खुद को प्रैक्टिस दे दूं, मैं खुद का कोच बन जाऊं। लेकिन फिर भी एक फाइटर का मतलब सबसे जरूरी एक कोच होता है और उसका ट्रेनर पार्टनर होता है, वो होना भी चाहिए। ये चीजें मतलब मेरे को नहीं है, थोड़ा मतलब मेरे को फील हो रहा है, लेकिन लड़ने के लिए तो मैं तैयार हूं, बस मैं जाऊंगा बिना कोच या बिना ट्रेनर, मैं कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा इंशाल्लाह। तो अपार्ट गेम, गेम से हट गए, ये जो आप गेम जो खेल रहे मिक्स मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस के साथ साथ क्या क्या बेनिफिट है गेम के? इसमें आपका फिटनेस होता है। कभी कोई बोलता है मेरे को पेट मतलब बहुत भरा हो गया है, मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरा घुटना दर्द होता है, कमर दर्द होता है, ये चीज जो स्ट्रेचिंग, जो हम लोग का नॉर्मल जो वार्म अप होता है प्रैक्टिस से पहले, वो चीजें पब्लिक को हेल्प करते हैं कि जो जिसको मतलब कुछ शुगर का प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, ये चीजें भी हेल्प करते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, सिर्फ ये चीज नहीं है कि हाँ मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा सिर्फ लड़ने के लिए, अच्छा ये चीज नहीं होते है। हम लोग फिटनेस, फिजिकल फिटनेस भी है, फिजिकल फिटनेस होता है उसमें, जिसको बीमारी होता है वो चीज हटने का भी हम लोग को ये चांस देता है कि ये चीज से मैं दूर हो जाऊं, कि मतलब मैं, मेरा शुगर है ना प्रैक्टिस करने से ये दूर हो जाए और मेरा बॉडी, हर कोई चाहते हैं मैं फिट रहूं, बीमारी से दूर रहूं। क्या कैसा होता है दवाइयां से, तो आप अगर आपका हाथ में दर्द है उसका दवाई खा रहे हो तो शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका जो केमिकल जो साइड इफेक्ट है दूसरा जगह में असर करेगा, लेकिन ये फिटनेस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये चीज होता है हम लोग मतलब, इसलिए हम लोग, मैंने जो मतलब जो एमएमए सेलेक्ट किया ये चीज था कि हर चीज इसमें है। अभी कोई बोलते है कि तुमने शादी से पहले भी ऐसा ही था और शादी के बाद भी वैसा ही है, अरे थोड़ा पेट तो लाओ। मैं बोला नहीं भाई मैं क्यों लाऊं, हाँ मेरा शादी हो गया, मेरा एक बच्चा भी है। तो शादी के बाद कुछ फर्क पड़ा? हाँ, मेरा फिटनेस जब तक मेरा प्रैक्टिस चल रहा है तो मैं फिट ही रहूंगा। अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुदा न खास वैसे कुछ डिस्टर्ब्ड एरियाज में क्लैशेस ज्यादा होता है, जैसे लड़ाई झगड़ा, उसमें कितना हद तक आपका ये गेम काम आएगा और कितने लोगों को आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो अगर क्लैश होता? खुदा ना करे तो नहीं होना चाहिए। सर ऐसा होता है कि हम लोग ये चीज को कभी, हम लोग जो क्या क्या जब सीखा, मतलब हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग ऐसा वादा देता था कि कभी बाहर फाइट नहीं करना, क्योंकि हम लोग और नॉर्मल आदमी लोग के, आम आदमी लोग के साथ हम लोग मतलब कंपेयर नहीं कर सकते कि मैं अगर एक पांच मारूं तो परफेक्ट एक जगह ही मारूंगा, पॉइंट में मारूंगा परफेक्ट, लेकिन वो बंदा शायद मतलब उसको शायद पता नहीं होगा, इसलिए हम लोग कभी लड़ाई नहीं करते जितना हो सके, लेकिन नामुस के लिए हम लोग जान भी दे सकते हैं, ये चीज होता है। और जितना हो सके हम लोग, अगर कहीं लड़ाई हो गया बाहर तो हम लोग सोचते हैं कि अलग करें थोड़ा, मतलब कंट्रोल, शांति दिलाना, कॉम्प्रोमाइज वगैरह कर, हम लोग जितना हो सके, हम लोग जितना स्किल है हम लोग सोचते हैं कि ग्राउंड में डाले,
तो इसमें बोलते हैं कि अगर गली में लड़ाई हो गया तो बदनामी, अगर ग्राउंड में हो गया तो बिल्कुल 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 ग्राउंड में बिल्कुल आप रिंग में रूल रेगुलेशन के साथ नाम होता है कि मतलब कंट्रोल में लड़ोगे, लद्दाख के लिए लड़ा और फाइट किया और जीत गया, बिल्कुल बिल्कुल ये अलग नाम होता है इसमें बिल्कुल। तो नासिर साहब थोड़ा बहुत जानकारी हम बस अपने व्यूअर्स तक देना चाहते हैं, क्योंकि आपका आप देखा जाए तो खत्ते लद्दाख में माशाल्लाह काफी फैंस बढ़ते जा रहा है, तो थोड़ा बहुत आप हमारे व्यूअर्स को अपना फर्स्ट यानी कि जिंदगी का पहला चैंपियनशिप आपने कहाँ खेला, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा, थोड़ा बहुत शेयर करो। मेरा जो फर्स्ट चैंपियनशिप था मैं जब 2011 में जब इंडिया शिफ्ट हो गया, इंडिया में शिफ्ट होकर मैं लगभग 2011 से 13 तक मैं इंतजार कर रहा था कि कोई मतलब फाइट या मतलब कुछ मतलब चैंपियनशिप होगा मैं उसमें सेलेक्ट हो जाऊं या मतलब कुछ फाइट करूं, क्योंकि मैंने सुना था इंडिया में MMA खुला मतलब ईरान की ईरान जैसा बैन नहीं है कि मतलब नहीं खेल सकते बोल के। 2012 जून जुलाई में था कि उस टाइम मेरे को एक फ्रेंड मिल गया, तो उसने बोला कि ऐसा फाइट चल रहा है तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब जाओ देखो शायद उन लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। तो मैंने वो सुपर फाइट लीग जो मतलब शिल्पा जो राज कुंद्रा सर चला रहा है बिल्कुल, तो उनका मतलब मैंने शो में चला गया, तो फिर उन लोग ने सिलेक्शन कर दिया, सिलेक्शन हो के फिर मेरा उसमें पहला चैंपियनशिप उसमें हो गया था, फिर उसमें तीन फाइट किया था, वो तीन भी मतलब जो तीनों फाइट तो तीनों जीत लिए। उसके बाद कल का वाला फाइट आपका जो उसके बाद फिर से बिल्कुल मेरे को चांस नहीं मिला, जब से मैं करगिल शिफ्ट हो गया मतलब 2015 में करगिल बिल्कुल चांस नहीं मिला, लगभग 2013 से 2022 साल 10 साल लगभग 2022 तक मैंने बस वेट कर रहा था कुछ तो कुछ साथ साथ अपना हाँ, साथ साथ में मेरा प्रैक्टिस चल रहा था, मैं यूथ ऑफिस में मतलब मैंने 3 साल प्रैक्टिस भी दे दिया और मतलब जोन जोन में मैं जाके बच्चे लोग को करगिल के बच्चे लोग को भी स्टूडेंट मतलब मैं एज ए वुशु कोच जाके मतलब प्रैक्टिस भी दे दिया, क्या कि मैं बहुत चाहता था कि करगिल के लिए कुछ करूं लद्दाख के लिए कुछ करूं, तो उधर जाके भी प्रैक्टिस दे दिया 3 साल। उसके बाद मैं तो थोड़ा ठंडा हो गया था, ताकि 2022 में मेरे को कॉल आई है कि तुमको अगर कुछ फाइट करना है, ये बड़ा रियलिटी शो बनने वाला है, अगर करना चाहते हो तो तुम अपना स्किल थोड़ा भेज दो, तो तुम्हारा क्या कि प्रो लेवल का 3-0 तुम्हारा रिकॉर्ड है और उसके हिसाब से मैं हम लोग तुमको कॉल किया है, तो वो कॉल करके हम लोग सिलेक्शन करने के लिए तैयारी किया, फिर सिलेक्शन में भी सेलेक्ट हो गया कि मतलब तुम सेलेक्ट हो गए हो, तुम 16 फाइटर के अंदर आ गए हो। तो उसके बाद 2022 एंडिंग में हम लोग का फाइट हो गया, स्टार्ट हो गया, फिर उसमें भी पहला फाइट में जो मतलब जो सुनील शेट्टी सर जो मोहम्मद अली बुधवानी सर इन लोग ने जो ऑर्गेनाइज किया था, जो होस्ट सुनील शेट्टी था, तो उन्होंने तो सोच रहा था कि लद्दाख से आ गया है शायद इसका इतना स्किल नहीं होगा, लेकिन मजबूत तो होगा पक्का और उसका स्टेमिना तो पक्का मजबूत होगा, ये लद्दाख बोल के कारगिल बोल के वहां सब पहचान तो रहे। हाँ लद्दाख बोल के तो मतलब हम लोग तो बोलते पहाड़ी जैसा, मतलब मैं पहला दिन जो मतलब सुनील सर से मतलब मिला था, सुनील सर ने मेरे बोला लद्दाख वाला पहाड़ी भाई ऐसे ही बोला, क्योंकि उन लोग को पता है कि आए कई बार उनका, फिर वो उन्होंने बोला कि मैं मतलब बहुत पहले मैं करगिल लद्दाख आ गया आ गया, तो फिर उसमें हम लोग का मतलब फाइट चला था, फिर दो फाइट के बाद हम लोग जीत गया, दोनों फाइट जीत गया। तो लास्ट फाइट किसके साथ है? वो था सिद्धार्थ, कौन सा था? सिद्धार्थ था महाराष्ट्र का, लेकिन उसका जो उसका है और मेरा है बहुत फर्क है, क्या था उन लोग? हाँ वो सीनियर था, उसका फाइट भी ज्यादा था, वो मतलब सुपर फाइट लीग में उसने भी खेला था, और उसका जो प्रैक्टिस था वो बाहर कंट्री भी जाके प्रैक्टिस करता था, और उन लोग का कोच भी होता था, हम लोग का ये चीज फैसिलिटी और जो कोच था ये चीज कम था, लेकिन मैं कभी खुद को नहीं हारा, ये चीज था कि मैं खुद को बस
रिपेयर तो फाइट के दौरान स्टार्टिंग से ही आप अटैकिंग मोड में था कि लास्ट में नहीं, क्योंकि हम लोग को ये चीज चैलेंज मतलब पहला देखना पड़ता है कि फाइटर कैसा अंदर आता है, उसको चैलेंज करना पड़ता है कि मतलब वो कैसा आएगा तो हम लोग कैसा उसको जवाब देंगे। अगर वो अगर आप पहला फाइट देखा होगा कि जो फाइटर है वो सिर्फ गार्ड में आ रहा है, जब वो गार्ड में आ रहा है मैं उसका बस किक सिर्फ खाली देख रहा हूँ, तो उसके पैर पूरा खाली है, वो एक किक से उसका पूरा पैर सुन होता है। वैसे ही दूसरा फाइट में भी हम लोग को देखना पड़ता है कि वो किस हिसाब से, लेकिन उसका मतलब स्टेमिना बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसमें मैंने मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि वो एकदम टफ फाइटर था मेरे साथ, और बहुत मैंने मतलब उसको बहुत कोशिश किया नॉकआउट करने के लिए, उसको किक मारा, पंच मारा, बहुत बहुत कोशिश किया। तो स्पेक्टेटर्स जो थे, फैंस ज्यादा किसकी फेवर में जा रहे थे? वो मतलब जो पहला राउंड में तो मेरा फेवर में ज्यादा जा रहा था, जब दूसरा फाइट जो किक लग गया फिर उस पब्लिक को और जोश जा रहा था, तो उसकी फेवर मेहदी मेहदी आवाज आ रहा था, मेहदी मेहदी। अच्छा अच्छा, तो मेरे को भी क्या कि हम लोग को क्या होता है, फाइटर को सिर्फ फाइट में ध्यान देना चाहिए, अगर फाइट से बाहर ध्यान गया फिर तो वो फाइट खत्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो थोड़ा ध्यान जा रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था नहीं मैं अभी इधर ही हूँ, मैं अभी फाइट खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म होना चाहिए, फाइट खत्म हो गया तो मैं खुशी करूंगा उसके बाद। तो इससे पहले भी अली खुदाम साहब ने भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस भी उसका रहा था, हमने सुना कि आपका जूनियर है और आपने उसे कोच किया है, तो गेम तो सेम ही है ऑलमोस्ट दोनों एमएमए ही है, तो अली मोहम्मद खुदाम के अली खुदाम का तो मैं ये पहला तो मैं खुद को दिखाना चाहता था कि लद्दाख को, क्योंकि बहुत मैंने कोशिश किया लद्दाख में अपना खुद को दिखाने के लिए कि मैं कर सकता हूँ लद्दाख के, और मैं बच्चे लोग के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा चांस था, अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक अच्छा चांस दे दिया कि मैं खुद को दिखा दूँ। तो खुदा वाली और दो जो अकबर था, अकबर अली और हसनैन था, तीनों पॉइंट वाला था, क्योंकि बाहर वाला ज्यादा शौक नहीं रखते, मतलब शायद मतलब बोलेगा उन लोग को इतना जानकारी नहीं है, और शायद इन लोग नजदीक था इसलिए आ गया था, तो मैं सोचा ये तीनों को मैं पक्का लेके जाऊंगा, और खुदा वाली ने तो जो हाँ उसका तो क्या कि इन लोग जो नया फाइटर होते हैं उन लोग एमेच्योर में खेलते हैं, और हम लोग का जो गेम होता है वो प्रो गेम है, तो इन लोग का क्या होता है जैसा मैंने पहले बोला कि उसमें गार्ड होता है, मतलब हेड गार्ड होता है, उसमें गमशील होता है, उसमें चेस्ट गार्ड होता है, शिन गार्ड होता है, उन लोग को थोड़ा कवर करके हम लोग फाइट के अंदर बेचते हैं, क्योंकि उन लोग का सारा डेंजर होता है, इसलिए हम लोग उसको कवर करके ही बेचते हैं। आप लोगों की गेम में हम लोग का नहीं, हम लोग का हेलमेट नहीं होता है, हेड गार्ड नहीं होता है, चेस्ट गार्ड नहीं होता है, ये नहीं होता, सिर्फ एक ग्लोव होता है, गमशील होता है, और ग्रोइन गार्ड के लिए, टीथ के लिए, हाँ टीथ के लिए, वो गार्ड के लिए वो होता है। तो अली ने भी बहुत अच्छा खेला था, उसने मतलब जो मैंने बोला था उसने अच्छा सुना था, मतलब और फाइट में थोड़ा ध्यान देके उसने फाइट किया। तो ऐसे गेम्स अभी मैंने आपको पहले भी बताया, हिंदुस्तान के साथ साथ गद्दे लद्दाख में भी आप ऐसे गेम्स जो है वो उभरते आ रहे हैं, तो मैंने देखा काफी आपका रिसेप्शन भी बहुत बेहतरीन अंदाज में, ले एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे आपका बेहतरीन अंदाज में रिसेप्शन हुआ, पूरे रास्ते भर में काफी गाड़ियां आपके साथ चल रहे थे, फिर उसके बाद और भी लोग जुटते गए, फिर पूरा आपका पूरा पॉइंट मोहल्ला बोले एरिया बोले काफी तादाद में, उसके बाद आपका एक डेलीगेशन मैंने देखा कल लद्दाख इंटरनेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के आला अहदेदार से भी आप मिले, सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको इसी तरह दावत देंगे, और हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, तो उनकी तरफ से ऐसे गेम्स के लिए ऐसे उभरते प्लेयर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स अभी तक मिले कि नहीं, या आप लोगों ने अभी तक कुछ अप्रोच किया कि नहीं, क्योंकि लद्दाख में अभी इस कस्म के गेम्स के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी है नहीं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के काउंसलर अमीन साहब भी है, उसे भी आप अप्रोच कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसे गेम्स के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी प्लानिंग साहब ने बना रखी है? मैं तो सोचता हूँ अभी हम लोग इतना जोश से जो मतलब हम लोग दिखाने के लिए तो किया है, एक स्टूडेंट दिया हूँ, एक मैं खुद खेला हूँ, और लद्दाख के नाम तो मैंने 2 साल कंटिन्यू, मतलब पिछले साल मेरा स्टूडेंट ने जीता,
अली ने जीता और मैंने इस साल में खुद को दिखा दिया कि मैं भी जीत सकता हूँ और मैं अच्छा अगर फाइटर होगा तो अच्छा कोच भी बन सकता हूँ। उससे पहले तो मैंने दिखा दिया कि मैं अच्छा कोच हूँ कि मेरा स्टूडेंट भी जीत गया। तो इतना जो जितना हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इतना लड़ने के लिए, लद्दाख के लिए लड़ रहे हैं, जितना लद्दाख के लिए हम लोग जान दे रहे हैं, तो इतना हम लोग भी मतलब चाहते हैं कि लद्दाख वाले भी हम लोग को भी इतना प्यार दे दे और इतना सपोर्ट दे दे, ताकि हम लोग और सिर्फ मैं नहीं और बच्चे लोग को और मतलब ये चीज देख के तो बच्चे लोग भी आगे जाने के लिए उन लोग के लिए स्टेप बना दे। कि मतलब अगर हमारे एरिया में क्या होता है कि अगर कोई बच्चे लोग को मतलब ऐसा फैसिलिटीज नहीं होता है, ऐसा उन लोग को इतना पैसा नहीं मिलता है कि मतलब इतना खर्चा करे और ये फाइट करे या प्रैक्टिस करे या फिटनेस के लिए कुछ करे, ये नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट, मेरा MMA लद्दाख चाहते हैं कि ये गेम में अच्छा सपोर्ट मिल जाए, ताकि हम लोग और कंटिन्यू हर साल हम लोग जीत जाए और लद्दाख के नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कौंसिल से तो हम लोग, कौंसिल होगा या यूटी लद्दाख होगा, पिछले साल तो हम लोग कुछ रिजल्ट नहीं मिला था। इस साल में मतलब थोड़ा वादा दिया है हम लोग, कल जो हम लोग गया था उसमें जो मीटिंग हो गया था, उन लोग ने मतलब दावत किया था, बहुत मतलब बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू बोलता हूँ कि मतलब हम लोग को इतना इज्जत दिया और हम लोग को दावत किया कि हम लोग बात बोले, उन लोग के सामने ये बात बोले, उसके लिए तो मैं थैंक यू बोलता हूँ उन लोग को, मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये काम किया। और हम लोग को थोड़ा मतलब हाँ है, कोई सुनने वाला है, हम लोग को थोड़ा मतलब फील हो गया कि हाँ सुनने वाला है। और अमीन साहब ने भी बोला कि अपना तरफ से जो पोएन में जमीन है, जो ग्राउंड बना दिए उसमें भी हम लोग जमीन दे देंगे, और कौंसिल के तरफ से भी जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट भी है, उन लोग ने भी मतलब सपोर्ट करके एक जगह के लिए हम लोग को बोल दिया है कि हम लोग एस्टिमेट बना के हम लोग उधर एक जगह बना देंगे, सिर्फ MMA स्टेडियम, मतलब MMA के लिए कुछ स्टेडियम बना, MMA रिलेटेड ही, सिर्फ MMA रिलेटेड ही उधर ही रहेगा, एक स्टेडियम बनाने के लिए हम लोग को वादा दिया है। तब तक टाइमिंग कुछ लेकिन ये चीज है कि हम लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी हो जाएगा तो हम लोग अगले साल के लिए एक लद्दाख का नाम रोशन करने के लिए चांस मिल जाएगा लद्दाख के नाम पे। हाँ सर, मतलब हम लोग, मैं तो सोचता हूँ और जल्दी जल्दी बन जाएगा तो मैं सोचता हूँ अगर पिछले साल एक था, इस साल भी एक है, तो अगले साल दो हो जाए बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी तक आपके हिसाब से कितने प्लेयर्स होंगे? अभी मेरे पास है मतलब प्लेयर्स अंडर ट्रेनिंग होंगे ना, अंडर ट्रेनिंग उन लोग कम से कम 10 प्लेयर है ऑलरेडी जो हम लोग बेच सकते हैं, लेकिन जितना हो सके हम लोग, मैं अपना हिसाब से चाहता हूँ कि परफेक्ट हो जाए इक्विपमेंट के साथ, तो फिर जाएगा तो हम लोग को अच्छा रिजल्ट। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो इसमें हर बच्चे लोग को मतलब ये इक्विपमेंट लेने का भी मतलब वो नहीं होता है। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने हम लोग को सपोर्ट करे, तो आप गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके MMA को लेकर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बने। आपके काउंसलर साहब अमीन साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की आपको वादा किया है, और साथ ही साथ कल के LHDC काउंसिल के मीटिंग में भी आप लोगों को काफी सुना गया है, आप लोगों का जितने भी इश्यूज है MMA को लेके। एक और एक ये आ रहा था बार बार, आपको मौका भी मिला कपिल शर्मा शो में, वो थोड़ा बहुत हमारे कपिल शर्मा शो जो है वो सिर्फ नेशनल हिंदुस्तान में नहीं, काफी कंट्रीज में ये शो जो काफी पॉपुलर है। ये शो ऐसा हो गया कि हम लोग वैसे ही MMA को प्रमोट करने के लिए बन चुका है, मतलब बना दिया है। कपिल शर्मा शो में ऐसा हो गया कि MMA को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बना दिया था, और वो MMA शो का जो हम लोग प्लेयर्स जो चार चैंपियन था उसमें आप चारों गए? हाँ, एक रनर अप था और तीन जो मतलब बेल्ट विनर था, तो उन लोग ने हम लोग को शो कर दिया उसमें। अच्छा, क्या कि उन लोग प्रमोट करने के लिए, दिखाने के लिए, तो हम लोग को दिखा दिया। वो भी हम लोग का एक मतलब
एक वो है कि हम लोग को एक खुशी होता है कि लद्दाख वाला उसमें है। मेरे हिसाब से एक मतलब मैं एक लद्दाख वाला हूँ और दिखाने के लिए कि हम लोग लद्दाख वाला इतना आगे जा सकता है, लेकिन सपोर्ट चाहिए। ये सपोर्ट पब्लिक जो इतना प्यार दे रहे है, जितना पब्लिक हम लोग के लिए प्यार दे रहे है, तो हम लोग सोचते हैं और जोश दिला दे, लेकिन ये प्यार से हम लोग को थोड़ा बच्चे लोग को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए तो ये गवर्नर का भी सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त सुनील शेट्टी आप लोगों के साथ होस्टिंग, बवानी जी भी और मोहम्मद अली बुधवानी बुधवानी जी उनका मतलब टोयम इंडस्ट्रीज का चेयरमैन है, उन्होंने मतलब अभी उनको बोलते हैं कि डेना व्हाइट, इंडियन डेना व्हाइट, क्योंकि उन्होंने अभी ये रियलिटी शो बना दिया है। क्या कि ये रियलिटी शो से एमएमए पता चलता है कि एमएमए कौन से लेवल में है, और उन्होंने हम लोग को चांस दे दिया। शायद अगर उन्होंने हम ऐसा चांस नहीं देता था, अभी लद्दाख वाला आगे नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस सर, लास्ट एक दो क्वेश्चन होंगे, इसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है मैं कंक्लूड करूंगा, काफी वक्त भी गया आपका। तो चलते चलते रिसेंट चैंपियनशिप, रिसेंट फाइटिंग में आपने ये जो बेल्ट जीते, थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को बेल्ट को लेके, क्योंकि काफी अहमियत रखते हैं ऐसे बेल्ट। हम तो रेसलिंग में बड़े बड़े रेसलिंग में ऐसे बेल्ट देखते हैं। आप विनर आप शो का मतलब कमिटे वन वॉरियर हंट सीजन वन का लिखा है, मतलब चैंपियनशिप सीजन वन का। ये चैंपियनशिप मतलब पहला सीजन का हम लोग चैंपियनशिप हो गया था। अच्छा, ये मतलब मैं तो ये चैंपियनशिप, ये जो मतलब प्राइज है, जो बेल्ट है, मैं तो गिफ्ट करता हूँ लद्दाख वाले को, कि ये सब लद्दाख वालों का है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरा नहीं है। और मैं सोचता हूँ और ऐसा चैंपियनशिप में ऐसा बेल्ट जीते और नाम रोशन करे लद्दाख। जी जी जी, बेल्ट जो है काफी हेवी भी है और इस बेल्ट का जो है काफी अहमियत भी है। यस, बहुत। और हम तो रेसलिंग में ज्यादा करे से ये क्या है कि ऑल ऑफ इंडिया में पहला शो, मतलब जो ऑल ऑफ इंडिया में ये पहला रियलिटी शो था और हम लोग जीत गया। अच्छा अच्छा, अच्छा। ये मेरे लिए तो बहुत मतलब सोने से भी अच्छा है, मतलब ये तो मतलब मेरे लिए वो हो गया, मतलब प्रॉपर्टी समझा। हाँ, प्रॉपर्टी जैसे। तो मेहदी नासरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी पैनलिस्ट, जो भी इंटरव्यूअर, जो भी गेस्ट हमारे पास आते हैं, हम आखिर में उससे एक मैसेज लेने की कोशिश करते हैं सर, एक पैगाम, एक फ्रूटफुल मैसेज। मैसेज में यही देना होगा आपको कि और भी लोग आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे काफ़ी यूथ है सर जो फाइटिंग के लिए काफ़ी शौक रखते हैं, ऐसे गेम्स में आने के लिए शौक रखते हैं, मगर उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको पता नहीं चलता किस तरह ज्वाइन करना है, किस तरह फाइटिंग करने कहाँ जाना है। बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए चलते चलते एक मैसेज और हमारे खत्ते लद्दाख के आवाम के लिए, बिलखसूस लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी तरफ से, एज ए चैंपियन, एज ए नासिर मेहदी नासरी मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन, आपकी तरफ से पैगाम। मेरा आखिरी सवाल, मेरे तरफ से तो जवान लोग के लिए तो ये है कि पहला मोबाइल साइड में रखें और फिर उसके बाद एमएमए ज्वाइन करें और लद्दाख आवाम के लिए तो भी ये है कि अगर कोई फाइट खेल रहे या कोई लद्दाख के लिए कुछ कर रहे, उनको कभी नीचे नहीं देखा। अच्छा, अच्छा। अगर उसको तारीफ नहीं कर रहे लेकिन उसको नीचे नहीं देखा, क्या कि लद्दाख के लिए कर रहे, लद्दाख के लिए कर रहे। अगर कोई इतना आगे जा रहे है, क्योंकि मैंने कमान में बहुत कुछ मतलब बहुत चीजें देखा कि मतलब बोल रहे, अरे तुमने ये क्या किया, मैं बोला लद्दाख के लिए मैंने किया हूँ, मेरा दिल में बोला कि मतलब मैं लद्दाख के लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर लद्दाख के लिए नाम हो गया तो मेरा खुद का नाम हो रहा है, बिल्कुल। अगर मैं खुद के लिए किया तो कभी लद्दाख का नाम नहीं हो जाएगा, ये चीज होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ मेहदी नासरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि मिक्स मार्शल आर्ट के चैंपियन और रिसेंटली इन्होंने ये बेल्ट जो है नासिर के मुताबिक, ये सिर्फ नासिर के लिए नहीं, पूरे बेल्ट जो है पूरे खित्ते लद्दाख के लिए होगा ये बेल्ट। और मैं आपको बताते भी चलूं कि अभी तक जितने भी सवालात हमने किए आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे आज का एक्सक्लूसिव शो, आज का इंटरव्यू नासिर मेहदी साहब के साथ आप लोगों को पसंद आए होंगे। और उनकी मैसेज में इन्होंने भी यही बता दी कि आप लोगों को जो भी इनके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, इनका जो गेम जो है खेलना चाहता है, जितने भी शायकीन, जितने भी शौकीन इस गेम में रखते हैं आप, नासिर मेहदी साहब को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो अपने तरफ से भी कोशिश करेंगे कि गाइडेंस भी करेंगे आपको आने वाले दिनों में ऐसे गेम्स में किस तरह आप लोगों को
पार्टिसिपेट आप लोगों को करनी होगी। तो दोस्तों खत लद्दाख के साथ साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इस समय कैमरा लाइन पे जुड़े हैं फारूक रेहान और मैं हुसैन खालू। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज एंड जुले। जब से लद्दाख से निकल गया तो ये मेरा मतलब तमन्ना नहीं, मतलब मेरा पूरा जोश था कि मैं खुद को फाइनल तक पहुंचा दूं और बेल्ट लेके आ जाऊं लद्दाख। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.